तोरई गर्मियों के मौसम में आने वाली बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, पर जनरली लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। पर एक बार आप तोरई की सब्जी इस रेसिपी से बना के जरूर देखें। ये मसालेदार तोरई की सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है कि आप इसे जरूर बनाना चाहेंगे। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। तो आइए देखते हैं ये तोरई की मसालेदार सब्जी कैसे बनाई जाती है। इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तोरई। ये 3 से 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। जब भी आप कोई सब्जी लें तो बिल्कुल फ्रेश लें, इससे आपकी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो सबसे पहले एक पीलर की मदद से हम तोरई को छील लेते हैं। आप चाहें तो एक नाइफ की मदद से भी तोरई का स्किन स्क्रेप कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तोरई को पील करने के बाद इसके ऊपर और नीचे वाला पार्ट डिस्कार्ड कर दें और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी सारी तोरई को छील लेंगे। ताजी तोरी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कुकिंग टाइम कम होगा, कम कुकिंग टाइम होगा तो तोरी का न्यूट्रिशन बरकरार रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारी तोरी को छील लिया है, इसे अब अच्छे से वॉश कर लेंगे और एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब देखते हैं तोरी को कट कैसे करना है। एक नाइफ की मदद से तोरी को हाफ स्लिट कर लें, यानी कि 2 भागों में कट कर लें। अब इसके बड़े बड़े टुकड़े काट लें। तो तोरी के लेंथ के हिसाब से यहाँ पे मैंने तोरी के 4 हॉरिजॉन्टल पीसेस करे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं तोरी को मैंने बीच में से हाफ कर लिया है और तोरी के लेंथ के हिसाब से हम इसके मोटे मोटे पीसेस रखेंगे। अगर तोरी छोटी है तो आप इसे 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें तोरी को छोटे छोटे पीसेस में नहीं काटना है, हल्के से पीसेस को मोटा ही रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी तोरी को हमने बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लिया है। और आप इन पीसेस का लेंथ नोटिस करें तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने तोरी को कट करना है। तो अब सब्जी की कटिंग और चॉपिंग तो हो चुकी है, आइए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें, फिर हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल हो जाने दें और फिर हम इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। अब इसमें डालें 1 बड़ा प्याज फाइनली चॉप करके। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए प्याज को अच्छे ब्राउन कलर आने तक हमें भूनना है। इस सब्जी को बनाने के लिए हम प्याज को अच्छे कलर चेंज होने तक भूनेंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च। अब इन दोनों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनें, जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा टमाटर कद्दूकस करा हुआ। आप चाहें तो टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर के जार में पीस के भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटरों को भी अच्छे से भून लें, जब तक कि इसका रॉ फ्लेवर ना चला जाए। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि इस मसाले में से तेल रिलीज होने लगा है और जब मसाले में से अच्छे से तेल रिलीज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बाकी के स्पाइस पाउडर्स। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक को अभी कम ही रखें, तोरई में काफी कम नमक डलता है। तोरई गल के बहुत ही कम हो जाती है तो नमक की क्वांटिटी को आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें और मसाले भूनने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से वापस से ऑयल सेपरेट होने लगा है। जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हमारी कट करी हुई तोरई। ये क्वांटिटी सफिशिएंट है 3 से 4 लोगों के लिए। तोरई डालने के बाद इसे अच्छे से मसालों में रोस्ट करें। यहाँ पे अभी हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर दें और इसे 3 से 4 मिनट के लिए इस मसाले में अच्छे से भून लें। तोरई अंदर से बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं लगेगी जब आप इसे इस तरीके से पकाएंगे। मसाले इसके अंदर चले जाएंगे और तोरई बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगी। तो इस स्टेप को जरूर से करें। और अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 कप पानी। अब इसे वापस से एक बार अच्छा मिक्स दे दें। तोरई में पानी की क्वांटिटी कम ही डालें क्योंकि तोरई खुद ही बहुत टेंडर होती है, अपने जूसेस रिलीज करेगी और उन्हीं जूसेस में अच्छे से कुक हो जाएगी। तो अब लिड से कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 6 से 7 मिनट्स के लिए। तब आइए इसे चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं तोरी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तोरी अच्छे से कुक हो गई है, इसे ओवर कुक ना करें नहीं तो इसका ग्रीन कलर बिल्कुल हट जाएगा। तोरी के कम्प्लीटली कुक हो जाने पे अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और इन्हें भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन दोनों ही मसालों से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा तोरई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है तोरई में। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड लुक एट दैट, वाओ, तोरई कितनी बढ़िया लग रही है। ये मसालेदार तोरई आपको कहीं से भी बोरिंग नहीं लगेगी।
तोरई को नेक्स्ट टाइम जब भी आप बनाएं तो इस रेसिपी से ही बनाएं एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं तोरई परफेक्टली डन है, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म चपाती के साथ। तो आई होप आपको आज की हमारी तोरई की नई रेसिपी पसंद आई होगी। इस मसालेदार तोरई को जरूर से ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।